हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूजा एंड बंधु व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं हो चुकी हूँ सुबह सुबह ही रेडी। तो आज हम लोगों ने जाना निक्की चाची की कार्ट पे। तो वो कल हम गए थे तो हमें वहाँ पे कढ़ी चावल नहीं मिल पाए थे। जब हम गए थे तब तक सब खत्म हो चुका था। तो हमने यही बोला था हमें कढ़ी चावल तो जरूर खाने हैं, तो हम नेक्स्ट डे आएंगे। तो आज वो डे आ चुका है, तो सुबह ही जल्दी जल्दी से नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। और आज मैंने ये वाला ट्रैक सूट वेयर करा हुआ है। ये वाला ना बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा लगता है मुझे वाला। जब मैं अमृतसर ट्रिप पे गई थी, जो भी पूजा नहीं हमारे ब्लॉग से फॉलो कर रही होंगे उन्हें पता होगा, अमृतसर ट्रिप मेरे को मतलब हो गया टाइम 2-3 साल आई गेस ऐसे ही होगा, आई डोंट नो। बाकी आप लोग बताना अगर आप लोगों को याद है। तो तब मैंने ये वाला लिया था अपने वहीं से, विष्णु गार्डन से ही लिया था, अनमोल टेक्सटाइल से। तो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत कम्फी है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। तो मैंने कहा चलो आज यही वेयर करते हैं, बिकॉज अब ठंड हो ही चुकी है। तो गाइस अब जाती हूँ मैं नीचे, मम्मी पापा के भी देखती हूँ ब्रेकफास्ट का, और फिर मनु के साथ निकलती हूँ। तो आइए ये वाले ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। गाइस आज आप सोच रहे हो कि मैंने डार्क लिपस्टिक लगाई हुई है, तो मैंने आज वही वाली लिपस्टिक लगा, हालांकि बोर हो चुकी थी तो मैंने किट में से लिपस्टिक निकाली। तो दिखने में तो बाहर से लाइट लग रही थी, बट जब मैंने लगाया तो वो डार्क आ गई थी, बट स्टिल डार्क अच्छी लग रही थी आज मुझ पर, तो मैंने इसे रिमूव नहीं किया। बाकी आप लोग भी कमेंट्स में जरूर बताना डार्क लिपस्टिक मुझ पर कैसी लग रही है। मम्मी फिर हम होकर आते हैं, ठीक है? ठीक है, पहले मन्नू की शॉप पे जा रहे हैं। शॉप मन्नू कह रहे हैं पहले खुलवा कर फिर निक्की चाची के वहाँ चल पड़ेंगे। खुलवा के फिर कौन रोकेगा वो? फिर वो कर देंगे ना, गेट लॉक कर देंगे। अच्छा, कह रहे पहले शॉप ओपन कर लेता हूँ फिर वो वहाँ चल पड़ेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, या फिर वहीं से अब नाश्ता करके आते हैं। ठीक, हम लोग आए हैं सबसे पहले मन्नू के शॉप पे। पहले शॉप ओपन होगी फिर पेट पूजा, राइट? अंदर तो बहुत, हाँ अंदर तो बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा। तेरे की ये तो बहुत मेजअप हो रखा है, सारा अभी करना पड़ेगा ना। चलो, अरे आप कहाँ लग गए हो? दिखाए सपने कढ़ी चावल के। क्या कह रही हो? सपने दिखाए कढ़ी चावल के। चल रहे बस, चलो चलो छोड़ो इसको, मैं कर लूंगा। कोई नहीं, बस हो गया, फटाफट करते हो। गाय झूठ बोल रही है, लड़का नहीं आया ना तो अपने आप को वो दिखा रही है। क्या? कि हाँ मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ। अच्छा आपने बोला नहीं? हाँ कर दो पहले फिर चलते खाने के लिए। हाँ तो ये मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में चलते हैं, पहले एक्सल हो गए। कोई नहीं मैं कर लूंगा, आके छोड़ो। चलो फटाफट चलो, अब चाची के वहाँ चलते हैं, भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं है। गाइस सीधा वहीं चल के खाते हैं और आपको दिखाते हैं। जींस तो समेट दी है। ठीक है, अभी स्वेट शर्ट है। ओके, और कैसे हो? बस बढ़िया जी। फिर आगे आज हम कल सामान खत्म हो गया था, मैं कहा आज तो जाएंगे जाएंगे, आज यहीं पर ही लंच करेंगे अपना। आपने क्या खाना मन्नू जी? मैं तो खाऊंगा राजमा चावल, बड़ी तेज भूख लगी है। मेरे तो कल के कढ़ी चावल पैकिंग चल रही है। कल से हो रही है। तो गाइस देख लो यहाँ पे लाइन लगानी पड़ती है भाई खाने के लिए। खाना जल्दी से टाइम से आओ वरना खाना खत्म हो जाता है। करे लाइन ऐसी लगी है, हम लाइन में लगना मंजूर है। टेस्टी टेस्टी कड़ी चावल, अब मन्नू के राजमा चावल आते हैं, फिर दोनों साथ में खाते हैं। रायता खाना है मन्नू? खाना रायता ले लेते एक ग्लास ना। ठीक है, हम लोगों का खाना आ चुका है गाइस, कड़ी चावल, मन्नू ने राजमा चावल, हमने रायता लिया साथ में, और इतने में मम्मी और काकू भी आ गए है। तो सही टाइम पे आ गए आप लोग भी। हाँ आप लोग भी खा लो। बस खा रहे हैं। हाँ खाओ फिर। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, अब हम बस वीडियो को साइड करके पहले हम जा रहे खाने के लिए, पहले पेट पूजा फिर कोई काम पूजा। चलो मम्मी आप भी उस साइड आ गए अब। चलो अच्छी बात है, हेल्प करवा रहे हो। नहीं सही है, नहीं अच्छी बात है। हाँ काकू ने तो निकलना भी है ना। ठीक है चलो। तो गाइस पूजा भी चली गई है अंदर। हाँ जी पूजा भी कर रही है, हाथ बटा रहे चाची जी का। कस्टमर मतलब अच्छा है, भगवान की दया से अच्छे खासे कस्टमर आए हैं। तो चाची ने मेरे लिए मम्मी ने कहा भाई। हाँ जी, खाना कैसा लगा भाई? एकदम
बढ़िया है ना, टेस्टी है ना, बढ़िया। ये देख यहाँ पर देख ले कितने बंदे आए हुए हैं, लंच टाइम है ना प्रॉपर, दो बनने वाले हैं, प्रॉपर लंच टाइम है। तो गाइस अंदाजा लगा सकते हो आप कितनी भीड़ लगी हुई है कि खाना घर का है, तो दूसरा सुबह टेस्टी है, टेस्टी नहीं है सुबह टेस्टी। कई बंदे ऐसे आ रखे कि कल कड़ी खत्म हो गई थी, हाँ आज कड़ी के लिए स्पेशल आया। हाँ रिपीट आया इनमें से बंदे कि कल खाना खत्म नहीं जल्दी हो गया था, तो आज चाची ज्यादा खाना बना के लेके आई है। तो आप देख सकते हो कि कई बंदे आपके ब्लॉग से भी आए हैं, दो तीन बंदे कह रहे थे कि कल देखा था कि पूजा और मन्नू आएंगे तो हम भी पहुंच जाते हैं। नहीं भाई देख खाने का काम तो ये है, टेस्टी होगा और घर का होगा सबसे मेन बात, घर का बना हुआ है और टेस्टी है तो बंदा तो आएगा ही आएगा। एक दिन खा लेगा बाहर का, छह दिन खाएगा घर का प्रॉपर, बिल्कुल बिल्कुल ये फर्क होता है। और है भी बढ़िया एकदम, घर का है ना सबसे बढ़िया ये है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज होगी साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ वो भी देखते हैं लोग, साफ सुथरा है नीचे, चलो भगवान ऐसे इनका काम चलाए रखे, रखे एकदम काम। भीड़ थोड़ी ज्यादा हो रही थी तो इसलिए हमने खुद से ही हमने पैक कर लिए, तो चार हमने करे है कढ़ी चावल, चार हमने करे राजमा चावल, छोले चावल भी है, छोले चावल भी करे थे, बट अब चावल थोड़े कम हो रहे हैं, मैंने कहा अभी टाइम है चाची के भी काम का, तो कोई नहीं अभी हम इतना कर लेंगे, बाकी ठीक है ना मनु? हाँ ठीक है, तो अब हेल्प करवा दो, ठीक है आ जाओ फिर लोगों को बांध देते हैं। कढ़ी चावल है घर के बने हुए हैं, हाँ बिल्कुल घर का सामने है। हाँ यहाँ पे ना हमने सोचा था जो भी लोग होंगे हम उनको दे देंगे, बट यहाँ पे हमें कोई बच्चे वच्चे नहीं मिल रहे, हमने सोचा बच्चे को अब हम क्या कर रहे हैं, जो रिक्शे वाले भैया हम उनको दे रहे हैं, अभी हमने एक को तो दे दिए, अब हम कल भी आए लोग खाना 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 दे रहे हैं भैया जी, खाना खाओ जी, ये लो खाना खाओ, काम करो भैया खाना खाओ, भगवान से दुआ करो हमारी चाची जी ये काम दिन दुगनी रात चुगनी हो। तो गाइस तीन डब्बे दे चुके हैं, बाकी और डब्बे हैं और इतनी ज्यादा हम वीडियो बना नहीं सकते सबकी, आई होप यू अंडरस्टैंड, तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी इसलिए हम बस अब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दिखाया नहीं पाएंगे। बाय बाय मम्मी, मिलते हैं जल्दी, ठीक है जाओ, चलो बाय, ध्यान से जाओ, हाय बाय। जो चाची ठीक है हम जा रहे हैं, अब बीच में फिर आते हैं, ठीक है जब अब खाना बनाने का मन नहीं करेगा यहाँ आ जाओ, खाना नहीं बनाना घर में तो यहीं पे आके यहाँ पे पैक करा के लेके, हाँ ठीक है। अभी ना मम्मी के लिए भी मैं सोचा था कढ़ी चावल लेके जाएंगे, पर अब थोड़ा खत्म हो गया, हाँ मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है ना, तो पापा और मम्मी दोनों कह रहे थे जरूर आएंगे, हाँ एक दिन पापा को कह देंगे ना सुबह सुबह पापा यहाँ पे आ जाएंगे, बोला भी बोल करके उनको बता देना कि हम भी आएंगे, जैसे ही एक आध दिन में जैसे फ्री होते तो आएंगे, ठीक है मम्मी के लिए भी फिर ले लेंगे, अभी तो खत्म हो गए चावल ना, हाँ वरना मैं सोचा मम्मी के लिए भी पैक करवा लें, हाँ कढ़ी थी ना कढ़ी मम्मी को पसंद है ना इसलिए, चलो मिलते हैं। मनु मुझे घर पर तो छोड़ गए थे गाइस, फिर मैं थोड़ी देर मम्मी के पास बैठी थी, मम्मी से बात कर थी और कपड़े मैं मशीन लगा कर ही गई थी, तो अभी आकर मैंने सारे सारे कपड़े सुखा लिए, मेरे को ये था कि कपड़ों को ना धूप लग जाए अच्छे से, बिकॉज अब जल्दी धूप चली जाती है, अभी भी चली ही गई है, बट कोई नहीं जितनी भी धूप मिल जाए ठीक है, अभी थोड़े से कपड़े रह गए तो अंदर रहती है। अब कल तो मेरे सर्दियों के कपड़े सेट हो गए थे, आज मैं सोच रही हूँ मनु के कपड़े सेट कर देती हूँ, अब मनु से वीडियो कॉल करके पूछ लूँगी, बिकॉज सुबह टाइम नहीं मिल पाया, रात को भी हम जिसमें लेट आए थे, और कल ना मैंने पत्ते वाला कम्बल निकाला, बट उसमें ना गाइस हम लोगों को ठंड लग रही आपको, क्योंकि टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर ठंडा हो जाता है, तो आज मैंने सोचा दूसरा मोटे वाला कम्बल निकालती हूँ, तो वो आज करती हूँ, और ये जो कल ओढ़ा था अब मैं इसे बिछाती हूँ, मेरी चद्दर कल ही बिछाई है, अब इसे रख देती हूँ, एक दिन मुझे क्या ही करनी होगी, तो ये सारे काम करने हैं। सर्दी से गर्मी वाला टाइम ना मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता है, बट कोई नहीं आज करके ना ख़त्म कर दूंगी, कि कल तक ये चीज़ दोबारा आए ना। मनु से वीडियो कॉल पे बात कर थे मैंने, मनु से सारे कपड़े पूछ लिए गर्मियों के, अब ये अलमारी भी मतलब दिख नहीं रही, बस यही है, इसके अलावा सारी अलमारी खाली हो चुकी है, सारे कपड़े यहाँ पे बेड पे है, मैंने सोचा कल भी मैंने ऐसे ही काम कर लिया था, बट थोड़ा आपके साथ भी बात करते करते ना मतलब थोड़ा होता है कि हाँ चलो साथ साथ काम हो जाएगा, तो मैंने इसलिए फ़ोन ट्राइपॉड पे ही लगा दिया है, मैंने कहा साथ साथ करते हैं काम अपना, तो मनु के जो भी गर्मियों के कपड़े हैं वो पहले तो करती हूँ अंदर पैक, सर्दियों की गाइस मैंने सोचा रात को मनु आएंगे तो एक साथ ज़्यादा काम ना करके, क्योंकि मनु के कपड़े बहुत ज़्यादा है,
मेरे थोड़े कम थे, मनु के कपड़े ज्यादा है मुझके लिए घर पे, तो पहले गर्मियों के अंदर रख देती हूँ। जो बेडशीट वगैरह जो कंबल वगैरह वो उतारने हैं वो उतार लेती हूँ और बिछाने वगैरह वो कर लेती हूँ, और फिर रात को मनु के कपड़े एक बार अलमारी में सेट करवा लूँगी या अलमाकल करवा लूँगी। तो ऐसे क्या होगा, ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा मेरे लिए, थोड़ा थोड़ा करके सारा काम निपट जाएगा। तो देखते कितनी जल्दी काम होता है। अभी ऊपर आके बस मोटर भी चलाई है मैंने, कहा साथ साथ पानी भर जाएगा इतने में, और फिर घर के जो बाकी आगे काम है वो करते हैं। सो गाइस, सारे गर्मियों के कपड़े मैंने लपेट लिए हैं, बस यही कपड़े मनु ने कहा है अभी बाहर रख दो, ये कुछ टी शर्ट्स है और कुछ तीन चार ये शर्ट्स है, तो मनु ने कहा बस यही रख दो, बाकी और कुछ मत रखो। और बाकी अब सर्दियों के कपड़े तो जैसे मैंने आपको बताया अब रात को ही मैं सेट करूँगी सारे के सारे कपड़े, अभी तो फिलहाल जींस करती हूँ और फिर बेड का काम करती हूँ। बस अलमारी का तो काम हो चुका है सेट पूरा, बस सर्दी वाले कपड़े बस हैंग करने वो रात को मैं कर दूँगी। बाकी अभी मैंने निकाले ऊपर से कंबल, तो ये वाला तो कंबल हमने कल रात को, ये वाला कंबल तो हमने रात को ओढ़ा था, बट ये इसमें बहुत ठंड लगी तो मैं सोच रही हूँ ये बिछा देती हूँ। और ये वाला एक है ये ओढ़ने के लिए, ये है कवर होता है ना डुवे कवर, तो ये है, तो इसके अंदर हम जो अभी एसी ब्लैंकेट यूज़ करते थे तो मैं वो इसमें डाल के ऊपर ये वुलन वाला कवर हो जाएगा, तो एसी ब्लैंकेट हमारा बन जाएगा वुलन सर्दियों वाला ब्लैंकेट। तो ऊपर अभी देख ही रही थी तो गाइस मेरे पास ना एक और ये वाली वुलन वाली बेडशीट है, ये मुझे दी थी उन्होंने, ये कहते स्वीटी दी थी जब हम उनकी शॉप पे गए थे, तो ये है कुछ ऐसे, तो ये फिटेड वाली है, तो मैं सोच रही हूँ ये वाली बिछा लेती हूँ, ये वाली कलरफुल सी अच्छी लग रही है, तो गाइस ये वाली बिछाऊंगी वो वाली दोनों में कंफ्यूज हो रही है, चलो आज ये वाली बिछा के देखते हैं, नई वाली तो ये बिछाती है। गाइस वुलन बेडशीट तो बिछा ली, अभी मैं आपको उसका क्लोजर शॉट दिखाऊंगी। तो अभी ऊपर से अलमीरा से उतारा है ये वाला जो हम पहले ओढ़ते थे एसी ब्लैंकेट, तो ये वाला वॉश करके रखा हुआ था मैंने, मैंने कहा चलो इसे ही आज वुलन वाला क्या कहते हैं ब्लैंकेट बनाया जाए। तो इसमें इतनी सी ही जिप दे रखी है, सिर्फ इतनी सी इसमें जिप है, इसी में से अब सारा का सारा ये अंदर जाएगा और फिर इसको करते हैं ठीक अच्छे से, क्योंकि उसे ठंड हो गई है भाई, मुझे लगा था कल की ठंड नहीं होगी इतनी, बट कल हमें ठंड लगी थी, और चादर भी ना कॉटन वाली ठंडी होने लग गई है, तो मैंने रात को ये सोच लिया मैंने कहा सुबह ना सबसे पहले यही काम करिए। तो गाइस ईजली आ गया, मुझे लग रहा था छोटी सी वो है कैसे जाएगा, बट ईजली आ गया। अब इसको एडजस्ट करती हूँ कॉर्नर कॉर्नर से पकड़ के और फिर ये पूरा आपको लुक दिखाती हूँ करने के बाद। गाइस इतना टाइम लगाने के बाद फाइनली सारा रूम सिमट चुका है, एकदम क्लीन हो चुका है, और ये वाली बेडशीट है गाइस, मतलब ब्लैंकेट बेडशीट मतलब जो भी बोलते, बिकॉज ये ब्लैंकेट तो नहीं, गर्म वाली बेडशीट है ये वाली, तो बहुत अच्छी लग रही है ये वाली। और इस पर मैंने ये डुवे कवर के अंदर मैंने एसी ब्लैंकेट डाल दिया है, तो ये अब मोटा हो गया, देखिए इसकी अब आपको दिख रहा होगा कि मोटा हो गया। और इतने में ही परी आ गई थी, परी अच्छा लग रहा है चाची ने, देखो कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट बेडशीट है ये, देखो इस पर हाथ लगा के देखो कितना सॉफ्ट है ना, और जे भी देखो कितना सॉफ्ट है, सही है ना, ठीक है। अब चले नीचे कुछ खाते पीते, चाची को भूख लगी बड़ी है, ठीक है, चाय पिएगी, चाची बनाएगी ब्रेड बटर खाएंगे, चलो चलो नीचे। वैसे तो आ गई थी मैं नीचे एंड उसके बाद चाय ब्रेड बटर खाया और थोड़ी देर बैठी रही, मम्मी से बात बातें करी और अब जाके डिनर की तैयारी कर रहे हैं। डिनर का समझ ही नहीं आता क्या पता है, तो हमने सोचा वेज पुलाव बना लेते हैं, जब कुछ समझ ना आए तो नमकीन चावल बना लेते, सबसे ईजी रहता है, तो अभी बस वो ही रखे हुए हैं, इसे बस अच्छे से भून रही हूँ, इसके बाद फिर पानी डालती हूँ इसमें। और यहाँ पे परी मैडम भी आ गए है, क्या लाया परी, ओ बबल्स, चलो अभी चाची खेलती है, ठीक है, यूं कर दे,
डांस करें, चला जा। बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, क्यों बाबू है ना? बोल दे वन टू थ्री। चलो अब चले यार सोए। अब बिग बॉस के बिग बॉस ऊपर देखना है क्या? तुम बताओ। बिग बॉस रह गए, कल भी नहीं देखा, आज भी नहीं देखा। देखते थोड़ी देर, चलो देखते हैं। सोने की तैयारी करके सारा काम तो हो गया। बर्तन भी साफ कर दिए। हाँ, अरे थोड़ा मैं जैसे थोड़ा कभी लेट आ गई, मम्मी सुबह 7 बजे उठ जाते, मम्मी लग जाती है। अच्छा हाँ, तो मम्मी तो बाद में करेंगे। काफी लोग बोलते भी है ना कि मम्मी को ना ब्रेकफास्ट करना, मम्मी को है कि ब्रेकफास्ट मम्मी खुद से करे, मम्मी से जितना हो पाता है मम्मी करते हैं। तो मम्मी को रहता है कि ब्रेकफास्ट मैं अपने हाथों से सबको दूँ, बट आज आती हूँ मैं। बट सब डेज करते मम्मी 8 बजे 8:30 बजे खाना वाना बना के बर्तन धो के सब जब होता है। चलो सुबह ब्रेकफास्ट बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, सब हो चुका होता तब तक, तो ये आ जाती है हमारे साथ ना। चले ठीक, डिनर करके तो हम लोग ऊपर आ गए हैं और अब बस सोने की तैयारी करते हैं। तो अभी मैं अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन ही कर रही थी, तो इसमें मैं लगाई थी लिप बाम। तो लिप बाम से मुझे याद आया कि इन लिप बाम से चल रहा है बहुत अमेजिंग ऑफर। हाइफन के लिप बाम से मैंने अपनी मतलब कुछ दिन पहले आप लोगों को व्लॉग में दिखाया था। सो गाइस चले तो अप्लाई करके दिखा रही हूँ, तो आप अपने आप देखिए कितना अच्छा है ये वाला लिप बाम। इसका जो मुझे सबसे अच्छी इसमें चीज़ लगी थी इसका एप्लीकेटर। ये बाकी लिप बाम से अलग है, इसका एप्लीकेटर आप जब ऑर्डर करेंगे तो आपको खुद फील होगा। प्लस ये जो लिप बाम है ये 24 आवर्स के लिए जो मॉइस्चर है लिप्स पे वो लॉक करके रखता है। हाई शाइन ग्लेज है एंड बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। बहुत सारे लिप बाम्स होते हैं वो स्टिकी स्टिकी सी लगता है, एंड इसको आप अपने लिपस्टिक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी मैट लिपस्टिक्स हम अप्लाई करते हैं तो ड्राई होने लग जाती है, अगर एज अ ग्लोज भी आप इसको अप्लाई करते हैं तो बहुत अमेजिंग है। इसके 3 शेड्स है, एक ये पिंक में है, कोरल में है, और एक ये ब्राउन में। ब्राउन वाला जो है वो एकदम नेचुरल मतलब हल्का सा ब्राउनिश टिंट आ रहा है, तो इन लिप बाम्स में टिंट भी है। तो अभी इस पे है बाय टू गेट वन फ्री, तो आप चाहे तो ये तीनों के तीनों लिप बाम्स ऑर्डर कर सकते हैं। एक लिप बाम का जो प्राइस है वो है 399, तो आपको 800 में या 800 रुपीज़ में आपको ये 3 लिप बाम्स मिल जाएंगे। पूरी विंटर्स आपकी ईजली जाएगी और अमेजिंग शेड्स हैं, बहुत अच्छा है। तो ज़रूर आप ये वाले लिप बाम्स ऑर्डर कीजिएगा। तो बस गाइज इसी के साथ ये वाला जो ब्लॉग करते हैं यहीं पे, जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।